हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नोकिया की तरफ से खबर आ रही है कि नोकिया ने अपने कुछ फोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें कि नोकिया 6, नोकिया 3310 जो हमारा पुराना दोस्त था। नोकिया 3310 ने अच्छी खासी जगह बनाई थी इंडिया में अपने समय में, तो दोबारा से वो पुरानी वाली सफलता को देखते हुए नोकिया ने दोबारा नोकिया 3310 लॉन्च किया है अपने नए डिजाइन के साथ में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है नोकिया 3310 जो कलर डिस्प्ले के साथ में दिया गया है। साइज कुछ वैसे ही वैसा रखा गया है जैसा था, और थोड़ा सा प्रीमियम बेहतर लग रहा है फोन। कीमत भी सही रखी गई है, नोकिया का भरोसा है। कीमत 3 से 3,500 रुपए के आसपास है, और अच्छी बात यह है नोकिया का पूरा भरोसा है। हम सभी जानते हैं जिन लोगों ने नोकिया के फोन्स यूज किए होंगे, लगभग सभी ने किए होंगे अपने टाइम में, तो नोकिया के फोन्स दूसरे चाइनीज फोन्स के मुकाबले थोड़े से मजबूत होते हैं, और यही वजह थी कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों ने नोकिया को प्यार दिया। और दोबारा से नोकिया ने इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ फोन्स लॉन्च किए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, नोकिया 3310, नोकिया 6। तो नोकिया 6 के बारे में बता देता हूं क्या क्या है। 32 GB और 64 GB इनबिल्ट मेमोरी होगी इसकी, ये शायद दो वेरिएंट में आएगा, 32 GB और 64 GB, 3 GB और 4 GB की रैम के साथ में। और इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी जो दी गई है वो 3000 mAh की बैटरी है। यहाँ पर थोड़ा सा लूज पॉइंट लगता है कि अगर बैटरी 4000 mAh की होती तो शायद बेहतर हो सकता था। अब चलते हैं कैमरे की तरफ। इसका रियर कैमरा 16 MP का है और फ्रंट कैमरा 8 MP का है। इसकी कैमरा क्वालिटी दूसरे चाइनीज फोन से बेहतर होगी, ऑफकोर्स डुअल सिम सपोर्ट भी करेगा। और चलते चलते इसकी बिल्ड क्वालिटी की भी बात कर लें, ये फुल मेटल यूनि बॉडी में है, प्रीमियम लुक है। अब बात करते हैं आखिरी चीज की, जो कि है इसके प्राइस के बारे में। नोकिया 6 तकरीबन 16-17 हज़ार के रेंज में लॉन्च हुआ है, और नोकिया 3310 का मैंने प्राइस बता दिया है, लगभग 3500 रुपए का ये फोन होगा इंडिया में। अब बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की। तो दोस्तों, खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि नोकिया 6 अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। इसका अनाउंसमेंट चाइना में किया गया है पहले। अब पता नहीं नोकिया की क्या स्ट्रेटजी है, उन्होंने चाइना में क्यों लॉन्च किया इसे पहले, जबकि इंडियन मार्केट में वो अच्छा बिजनेस करते हैं और इंडिया में नोकिया को प्यार करने वाले भी ज्यादा हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, शायद इसके पीछे कुछ और स्ट्रेटजी हो उनकी, और शायद फोन में कुछ बदलाव करना चाहते हो, उसके बाद इंडिया में इंडियन मार्केट के हिसाब से वो लॉन्च करना चाहते हो फोन, तो वो तो बाद में पता लगेगा। बाकी मार्च अप्रैल मंथ के आसपास में ये इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था नोकिया के बारे में। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की। देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज से लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन होगा, तो प्लीज से उस पर क्लिक करते जिससे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।